कि राजस्थान में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सीएमओ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने एक शख्स को क्रिकेट के बल्ले से पिता के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। घटना मंगलवार की रात की है। बताया जाता है कि पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के बेटे क्षितिज शर्मा के ने पिता के सामने ही हत्या कर दी। इतना ही नहीं, घटना के बाद पूरे परिवार ने मिलकर बॉडी को गाड़ी में रखकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने शख्स को मृत घोषित कर दिया। वहीं अब पुलिस ने आरोपी क्षितिज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना जयपुर के रजनी विहार पार्क के पास की है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में फुटेज में देखा जा सकता है कि इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के बेटे क्षितिज शर्मा स्कूटी को घर के अंदर खड़ी कर एक बल्ला लेकर बाहर निकलता है। वहीं घर के सामने पैदल टहल रहे शख्स मोहनलाल सिंधी के सिर पर बल्ले से हमला करता है। वो तीन बार लगातार बल्ले से शख्स के सिर पर हमला करते दिख रहा है। वहीं शख्स के चीखने की आवाज सुनकर शख्स के पिता प्रशांत शर्मा बाहर आते हैं। तब क्षितिज एक बार फिर से सिर पर बल्ले से मारकर मोहनलाल को ढेर कर देता है। मृतक मोहनलाल सिंधी जगदम्बा कॉलोनी में रहता था। वो ठेले पर सब्जी बेचने का काम करता है। बताया जाता है कि वो नशे का आदि था। वहीं मंगलवार को क्षितिज की मोहनलाल सिंधी से किसी बात पर बहस हो गई, जिसके बाद क्षितिज ने उसकी हत्या कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद, लाइव जुड़ गए हैं। सोमू, सबसे पहले इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, अपडेट के साथ बताएं। देखिए, ये काफ़ी गंभीर मामला है और इसमें खास तौर पे क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा है और उसमें जो शामिल हैं उनके बेटे के द्वारा यह हत्या की गई है। और खुद जब हमने देखा कि जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि जब वो घायल हुआ, जब उसे पीटा गया, उसके बाद गाड़ी में जब उसे कार में डाला गया तो उस वक्त उसके पिता भी मौजूद थे वहाँ पर, क्षितिज के पिता भी मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला है ये काफ़ी गंभीर है और उन्होंने पुलिस में इस बात की उस वक्त सूचना नहीं दी थी। उसे सिर्फ अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ पर जरूर उन्होंने नाम लिखाया था क्षितिज का और उसके नंबर दिए थे, लेकिन पुलिस को ये सूचना नहीं दी कि कोई विवाद हुआ और इस विवाद के बाद ऐसी घटना हुई। तो जाहिर तौर पे इसलिए बहुत बड़े सवाल जो है वो उठ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने भी यह बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इस पूरे मामले में इनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो निश्चित रूप से इन्हें इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना है कि इस पूरे मामले में उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह की जाँच होती है, क्योंकि अगर जो विवाद हुआ और विवाद के बाद जिस तरह से बल्ले से पीट पीट करके उसकी हत्या की गई है वो बहुत गंभीर मामला है। ये दिखाता है किस तरह की हिंसक प्रवृत्ति क्षितिज की रही थी। तो जाहिर तौर पे और उसके साथ साथ जब उनके पिता वहाँ मौजूद थे तो वो खुद पुलिस में हैं और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वे पुलिस को सूचना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो जाहिर तौर पे सवाल उन पर भी काफ़ी गंभीर रूप से खड़े हो रहे हैं। बहरहाल, इस बहुत दुखद ही दर्दनाक घटना में और जिस तरह से उनको पीटा गया उसमें उनकी मौत हो गई और अब जो है पुलिस ने उन्हें क्षितिज को गिरफ्तार जरूर किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब देखना है कि पूछताछ में क्या और अहम चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। हालांकि प्राथमिक तौर पे यह बताया जा रहा है कि क्योंकि जो मृतक था वो नशे का आदि था और उसी वजह से कुछ विवाद हुआ था जिसके बाद क्षितिज ने बल्ले से पीट पीट कर उसकी हत्या की। जाहिर तौर पे अगर कोई नशे का भी आदि है तो उस पर कार्रवाई के लिए बहुत सी बॉडीज़ हैं और खुद प्रशांत शर्मा जो कि वहाँ पुलिस में हैं उनको इन चीज़ों की जानकारी है। लेकिन फिर भी ऐसी घटना होना ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से वर्दी का रौब जो है वो परिवार के अन्य सदस्यों पर भी जो है वो गुरूर जो है वो छाया हुआ था जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल सोमू, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से हमने देखा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, साफ तौर पर उसमें क्षितिज के पिता भी नजर आ रहे हैं। क्या पहले से मोहनलाल के साथ कोई विवाद रहा था? देखिए, पहले से कोई विवाद रहा हो इसकी बहुत पुख्ता सूचना नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि क्योंकि मोहनलाल जो है वो नशे का आदि था तो उसके आसपास के लोगों से कभी कभी कहा सुनी हो जाया करती थी, लेकिन ऐसा कोई विवाद रहा हो जिसमें ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही है। बिल्कुल, फिलहाल देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई हो रही है, क्षितिज से पूछताछ भी हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस के अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, क्या आगे संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, ये दो तरह का मामला है इसमें, एक तो हत्या का मामला है ही और उसके बाद से इस बात का भी मामला है कि एक जिम्मेदार पुलिस
अधिकारी होने के बावजूद, पुलिसकर्मी होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दी। तो जाहिर तौर पे ये छिपाने का भी मामला है। अगर उसकी मौत नहीं होती तो बहुत संभव है कि अस्पताल से इलाज करके ठीक होकर के वो वापस आ जाता, इसकी जानकारी जो है वो इस तरह से लोगों को नहीं मिलती। तो पुलिस इस मामले पर भी जाँच कर रही है कि इसमें जो प्रशांत शर्मा है, जो कि मुख्यमंत्री आवास में वहाँ पर उनके सिक्योरिटी में है, वो शामिल हैं, तो उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे प्रकरण में। क्योंकि वे जब अस्पताल गए तो अस्पताल में उन्होंने जब भर्ती कराया तो अपने बेटे का नाम नंबर जरूर लिखाया भर्ती करवाने वाले के रूप में, लेकिन उससे इतर जानकारी जो है ना तो अस्पताल को दी ना पुलिस प्रशासन को दी। तो दोनों तरफ से पुलिस प्रशासन जांच कर रही है कि क्या कोई पूर्व नियोजित ऐसी घटना थी या फिर अचानक ये चीज हुई, और उसके साथ साथ जो प्रशांत शर्मा है उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।